ये एक छोटा सा जेंगा टावर और ये है एक बड़ा सा जेंगा टावर। हमारे पास दो टीम्स हैं, जिसमें से क्रिस और जेफ बड़े टावर पर खेलेंगे और रायन छोटे टावर पर, और जिसका भी टावर पहले गिरेगा वो हार जाएगा। तो खेल शुरू करते हैं। तो रायन, छोटे जेंगा को लेकर तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी? मैं अपने अंदर के बच्चे को जगाऊंगा और जीत जाऊंगा। और तुम दोनों की इतने बड़े जेंगा के साथ क्या स्ट्रैटेजी है? हमारे पास कई तरह के टूल्स हैं, जैसे कि मशीन जो हमें टावर के ऊपर लेकर जाएगी, और दो सक्शन कप्स हैं जो हमारे काम आएंगे। हम कर लेंगे, हम जीतने वाले। अब इस चीज को और मजेदार बनाने के लिए हम जेफ को टावर के ऊपर खड़ाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रायन, जेंगा टावर के ऊपर ना होने की खुशी हो रही है? हाँ, और मैं अपने सेफ जोन में हूँ। ध्यान से जेफ, ये बहुत ही डरावना है। कैसे हो जेफरे? ठीक है क्रिस, पहला ब्लॉक निकालो। चलो देखते हैं अगर हम इसे निकाल पाएंगे कि नहीं। ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। ये लगभग बाहर आ गया है। मुझे डर लग रहा है, शायद दूसरी साइड से खींच पाएंगे। ये आ गया और मेरा पहला ब्लॉक बाहर आ गया। दोस्तों, इस पर लिखा है कि प्राइस मिलेगा। इसको अपना पहला ब्लॉक मिल गया। तो क्या जीता मैंने? गिफ्ट कार्ड। जब हमें $250 मिले। कोई मतलब नहीं है, मुझे नीचे आना। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। पहला ब्लॉक निकाला जा चुका है और अब डर और लग रहा है कि कहीं मैं ऊपर से नीचे ना गिर जाऊं। ये लेवल हार्ड होता जा रहा है। अगर ये टावर जरा सा भी हिला तुम नीचे आ जाओगे भाई। ऐसा मत कहो। क्रिस, जब तुम ऊपर आ जाओ तो तुम मुझे बड़ी सावधानी। ठीक है, तुम चाहते हो मैं यहीं पर रहूं? धीरे धीरे, कहीं मैं गिर ना जाऊं इसे लेकर। ये लो ब्लॉक को सही जगह रखना। ब्लॉक दो, दे दो मुझे। लो पकड़ो इसे। थैंक यू, मुझे मेरा पहला ब्लॉक मिल चुका है। हमने कर दिखाया भाई, एक ब्लॉक आखिरकार ऊपर आ चुका है। और हाँ, बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करना। अगर मैं गलत तरीके से मूव करता हूँ तो मैं इसे लेकर नीचे गिरूंगा। तुम बहुत अच्छे हो ब्लॉक। क्या इसमें सजा ज्यादा होने वाली है? हाँ, पनिशमेंट से ज्यादा चैलेंजेस है। बहुत हो गया, अब मैं देख। नहीं, तुम्हें एक ब्लॉक निकालना ही होगा। चलो ठीक है मम्मी। अरे ये तो आसान था। चैलेंज। छोटे टावर को कम समय लगता है और बड़े टावर को दुगना समय लगता है दोस्तों, एक ब्लॉक के लिए। अब चैलेंज ये है कि तुम्हें अगली बारी में धुंधले चश्मे डालकर खेलना होगा। आग बंद करके भी खेल लूंगा। तो जेफ, मैं अगला ब्लॉक निकाल रहा हूँ। ये अगला ब्लॉक निकालने वाला है। अब ये हिलने लग रहा है। ये तो सच में हिल रहा है दोस्तों। और चैलेंज मिला है। आखिर कौन सा चैलेंज? अगली बार तुम आंखें बंद करके खेलोगे। सच में? गुड लक। और अगर टावर गिर गया तो? ठीक है जेफ, मैं इसे ऊपर ला रहा हूँ। क्रिस, तुम वापस आ गए। हाँ जेफ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऊपर आते हो। एक और कदम और मैं जमीन से काफी ऊपर आ जाऊंगा। मुझे जमीन से ऊपर रहने में मजा आता है। इसकी वजह से मैं ऊपर ऊपर बहुत ऊपर आ रहा हूँ। देखिए गाइस, इसे कितनी हाइट पर ला दिया। देखो एक और आ चुका है। मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। ठीक है रायन, ये रे तुम्हारे धुंधला चश्मे। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा कठिन हो रहा है। रायन, बेस्ट ऑफ लक दोस्त। रायन के पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है जीतने का। देखते हैं रायन कर पाता है या नहीं। रायन जीतने वाला है। ओ, उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया। गैस पर कुछ लिखा हुआ है? मैंने कर दिखाया। अरे बाप रे, ये तो हो चुका है यार। जेफ, तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। नहीं यार, शायद यही वो ब्लॉक है, पर पक्का नहीं है। कैसे तुम्हें यकीन नहीं है? मैं चाहता हूँ तुम्हें। भला आंखें बंद करके मैं तुम्हें कैसे गारंटी दे सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, चिंता मत करो, तुम नहीं गिरोगे। ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। मैंने कर दिखाया। ये इन्होंने तीसरा ब्लॉक निकाल दिया और मैं अभी तक ऐसे ही बैठा हूँ। जेफ, तुम्हें मुझे रास्ता बताते रहना होगा। पट्टी बांध कर ये उसे उठाने वाला है। मैं आ रहा हूँ। बाहर है, बस तुम ऐसे ही करते रहो क्रिस। ठीक है। नहीं नहीं, चलते रहो तुम। जब रुकना हो बता देना क्रिस, बस ओके। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जमीन पर हूँ। मुझे कोई आईडिया नहीं है कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। क्रिस, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें ऊपर जाते रहना होगा। वही स्विच है। हाँ, तुम्हारी आवाज भी अब करीब आ गई। तो फिर ओके। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। क्रिस, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो यार? क्या कर दिया मैंने? क्रिस, अब मुझे एक ब्लॉक के ऊपर चढ़ना होगा। हम पहला लेवल पूरा करने वाले हैं। क्रिस, मैं चाहता हूँ तुम संभल कर करो। ठीक है, अब दूसरा ब्लॉक ला कर दो मुझे। ठीक है, क्या क्या ये टावर के ऊपर है? नहीं, उसे उसी एंगल पर ऊपर उठाओ और ऐसे की तरफ बढ़ो। ठीक है ठीक है, एक काम करो, अब लेफ्ट से मुड़ो और मेरे हाथ में दो उसे। अब एक काम करो, तुम धीरे धीरे उसे मेरी तरफ पास करो, बढ़ाओ उसे मेरी बस तरफ। एक बार तुम ब्लॉक रख दो, फिर मैं अपनी पट्टी उतार सकता हूँ। क्या हुआ? तुमने कर दिया। हाँ, अब मैं अपनी पट्टी उतार सकता हूँ। और इसी तरह हमने एक और लेयर को पूरा करके जेफ को एक स्टेप ऊपर की ओर पहुँचा दिया है। मैं सही में फील कर पा रहा हूँ कि मैं कितना करीब आ रहा हूँ इसमें। और हम ऐसे एक एक करके और ब्लॉक्स को निकालते रहे। हर ब्लॉक का वजन था कम से कम 10 पाउंड, यानी कि पूरा ब्लॉक कम से कम 500 पाउंड के भी ऊपर है। एक छोटी सी गलती और हमारा टावर ढह जाएगा। और नीचे वाले दोस्त,
हेलो फैंस, लाइक और सब्सक्राइब करो हमें डैनजी ब्रोस को। माफ करना जेफ, अब मुझे जाना होगा, अपना ध्यान रखना। वैसे अच्छी बात तो ये है कि मैं हर बार आराम से नीचे आ जाता हूँ, जबकि जेफ नहीं आ सकता। जैसा कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो गाइस एक चीज मैं कह दूं, अगर दोनों टीम्स ने अगले 15 मिनट में 3 ब्लॉक्स नहीं निकाले तो टीम के किसी एक आदमी को गंजा होना होगा। क्या सच में? जी हाँ, यही रूल है। नहीं यार। सर मुंडवाने के लिए तैयार हो जाओ। क्रिस, तुम जल्दी से वहाँ से ब्लॉक्स लेकर आ जाओ। ठीक है फिर, पहला वाला चलो। हो गया? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा स्लो जाना होगा, कहीं मैं टावर ही ना गिरा दूं। ठीक है, तो फिर हमारे पास 5 मिनट है पर ब्लॉक पर। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते जेफ। मुझे हवा नहीं पसंद है यार। मैं जरा एक सही स्पॉट बना लूं ताकि मैं सक्शन कप ढंग से लगा सकूं। तो ठीक है, देखो ये हो गया। अच्छा तो अरे यार तो ये है चैलेंज ब्लॉक। अगले ब्लॉक के लिए तुम सिर्फ अपना मुंह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, निकाल दो उस ब्लॉक को। चैलेंज ब्लॉक मिला। ठीक है, तो अब तुम्हें पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाना और यहाँ वापस आना है। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें ब्लॉक मिला क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। ये ब्लॉक मिला क्या? अब मुझसे नहीं हो रहा है। ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। अबे मैं थक गया यार। हो गया, अरे मेरा हो गया काम यार, हो गया। वही मिला क्या? हो गया। क्रिस, तुम्हें 2 और ब्लॉक्स लाने हैं और उसे यहाँ पर रखना है मेरे पास। ब्लॉक्स निकालो, बस 6 मिनट रह गए हैं। अरे इनको तो एक भी नहीं मिला अब तक। अगर हम हार गए ना, 1 लाफा मारूंगा तुझे साले। मैंने आज ही एक्सरसाइज की थी। खत्म होने से पहले सुबह एक्सरसाइज करने के कारण मैं थक गया था, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अभी मेरी बैंड बच जाएगी यार, जल्दी करके चैलेंज जीतना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी ब्लॉक्स को एक ही बार ऊपर ले आऊं ताकि बार बार नीचे ना जाना पड़े। बाय द वे गाइस, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये साला मुझे एंजाइटी दे रहा है। इस बकवास ड्रोन को नीचे उतारो, मुझे ये पसंद नहीं है। खुशी की बात है, मैं वहाँ नहीं। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ रायन। रुक जाओ। ठीक है, सॉरी गाइस, लेकिन टाइम अब पूरा हो चुका है और अब तुम में से किसी एक को अपने सर के हर बाल को उड़ाना होगा। बहुत बढ़िया हुआ, आसान वाला था। जेफरी, हम हार गए हैं, अब हम में से किसी एक को गंजा होना होगा। रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड कर लेते हैं। रॉक पेपर सीजर शूट। मैं जीत गया। अब वीडियो के एंड में हम जेफ को गंजा करने वाले हैं, मतलब इसके गिरने के बाद ही। तुम्हारा हस्बैंड अब गंजा होने वाला, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, वो अपना स्टार लुक खो देगा जो मुझे बहुत पसंद था। ऑलराइट गाइस, तो अब एक नया रूल आया है और वो है टीम चेंज करो अपनी। क्या? जी हाँ बिल्कुल, रायन ऊपर जाएगा और क्रिस तुम यहाँ नीचे आओगे। क्या बकवास है? चलो देखते हैं कि अब क्या होगा। ए रायन, तुम्हारा ही जीता इसलिए जीत गए। आओ क्या? क्या कर रहे हो? मेरी मेहनत को खराब करने की कोशिश भी मत करना। ब्लैक दे दो भाई। ये क्या है, इतना भारी? या। हर कोई जेफ के नीचे गिरने का इंतजार कर रहा है। हे क्रिस, मुझे जीतते हुए देखो। ओके, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? ऊपर से तुम छोटी सी चींटी लग रहे हो मुझे क्रिस। हाँ क्रिस, जाकर अपने लिए बिल बना लो, चींटी कहीं के वही खेल सकते हो। क्या कर रहे हो? नहीं। तो ठीक है गाइस, अब मैं तुम दोनों को एक एक मौका दूंगा इस गेम को अभी के अभी खत्म करने का। तो क्रिस, तुम्हें एक बॉल दी जाएगी जो तुम इस टावर के ऊपर फेंक सकते हो, और तुम्हें एक फ्रिस भी पकड़ाई जाएगी जो तुम इस छोटे टावर के ऊपर फेंक सकते हो। इसे एंड करना होगा। तुम दोनों के पास सिर्फ एक मौका है इस गेम को खत्म करने का। मुझे इन दोनों की बहुत परवाह है, तो पहले मेरी बारी। मदद करो मेरी। अगर तुमने मेरा टावर गिरा तो तुम बंदर। आ रही है मेरी फ्रिस भी। ये बहुत ऊपर है। तो मैं सबसे निचले ब्लॉक पर मारने की कोशिश करूंगा ताकि जितना हो सके इस टावर को उतना कमजोर कर पाऊं। वो ब्लॉक पूरी तरह हिल गया था। दूसरी तरफ आ रहा हूं मैं। यार ये क्या है? क्या हो गया यार? मैंने कुछ गिरा दिया। कौन सा सपोर्ट? यही का लगता है, ये प्राइस ब्लॉक है। हम क्या जीते? मुझे सही में भूख लगी। मुझे पिज्जा चाहिए। टीम स्विच करके खुशी हुई। हे क्रिस, पिज्जा खाओगे? हाँ लाओ दो। एक बार वीडियो खत्म होने दो, ये तो बड़े प्यार से आ गया।
चैलेंज, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं मानता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जेफ, ये उतना भी आसान नहीं है। क्रिस तुम कमीने हो यार, मुझसे ये मत बोलना ब्रो। तो तुम्हारा चैलेंज है? अरे नहीं, तुम्हारी रशियन बंदूक, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट है और तुम्हारे पास एक ही मौका है। ठीक है, देखते हैं। बच गया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया काम किया सरदार, तुम्हें शाबाशी देंगे भाई। जेफ काफी खुश लग रहा है। मेरी तरफ से शाबाशी ले लो। देखो जेफ, हमारे पास विकल्प खत्म हो चुके हैं, हमें साइड वन के साथ जाना होगा। ठीक है? ठीक है। ये आसान नहीं होगा। जैसा एक नॉर्मल जेंगा गेम में होता है कि छोटा ब्लॉक अगर तुम साइड से निकाल दो तो वो गिरती नहीं है, तो सेम चीज यहीं पर भी अप्लाई होगी ना, बस ज्यादा वजन ना हो। वो हो रहा है और ये साइड में आ गया, और ये कृपा करके लैंड करवा दो, 100-200 ज्यादा ले लो। मुझे लगा ही था कि वो साइड ब्लॉक निकालना एक अच्छा आइडिया नहीं है। जेफ, आखिरकार तुम नीचे आ गए। धरती मेरी माँ है। बहुत अच्छे मेरे नन्हे दोस्त, हमने कर दिखाया। बालों को बाय बोलने का समय आ गया है। रुको रुको, एक बार फील करके देख लूं। खैर, माफ करना दोस्त। रुको। चलो भी जेफ, तो माफ करना जेफ, पर हमें ही करना होगा। ओ नहीं, हे मेरे भगवान। गजनी का भाई लग रहा हूँ मैं। अरे तुमने मुझे डरा ही दिया था। दोस्तों आपके लिए टकला हुआ, सब्सक्राइब करो। अब पासपोर्ट साइज फोटो मस्त आएगी।